मानव है लिखने वाला और इसके अंदर के आवाज से सारे ग्रंथ बन गए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, एलिमेंट्री, मैथमेटिक्स, ज्योमेट्री, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, सिविक, संस्कृत, हिंदी, माने जितना कोर्स का किताब है और जितने अध्यात्म के ग्रंथ है सब कहाँ से लिखाया, सब शब्द कहाँ से आया, यही आत्मा से। और लिखा कौन? आदमी ने लिखा। अब बोलिए आपसे बड़ा कौन है? अब तब लोग ग्रंथ को प्रणाम कर रहा है, लोग ग्रंथ को प्रणाम कर रहा है, आरती दिखा रहा है। हम तो कहते हैं बहुत हारमोनियम बजाने वाला हारमोनियम को प्रणाम करता है, नाल बजाने वाला नाल को प्रणाम करता है। और कबीर साहब कहते हैं तवा ऊपर चूल्हा चढ़ाए आ पकावन हार के रोटिए खाए, लोगबा कोई न पतियाए, बघबा के बच्चा के बकरिया ले ले जाए। ढोलक बड़ा है कि बजाने वाला बड़ा है? कौन बड़ा है? हारमोनियम बड़ा है कि बजाने वाला बड़ा है? तो नाम बड़ा है कि जीव बड़ा है? किस नाम का हम जाप करें? सारा नाम हमारे अंदर से निकला है, चाहे राम कहिए, चाहे कृष्ण कहिए, चाहे हनुमान कहिए, चाहे ब्रह्मा कहिए, चाहे विष्णु कहिए, चाहे महेश कहिए, चाहे सतनाम कहिए, चाहे राधे श्याम कहिए, चाहे सीताराम कहिए, चाहे जय हनुमान कहिए, चाहे ओम नमः शिवाय कहिए, चाहे ओम भूर्भुवस्व कहिए, सारा शब्द का मालिक ये जीव बैठा हुआ है। अन्यथा तो मुर्दा से वो नाम कहवा के दिखा दीजिए, मुर्दा से वो नाम कहवा दीजिएगा, होगा? सारी आवाज आत्मा की है और शब्द को वर्गीकरण, शब्द को तोड़ करके वर्गीकरण करने का औजार भी आपके पास है। आप कहते हैं क ख ग घ ञ, तो क ख ग घ ञ कौन बोलता है? कंठ। इसमें न दांत की आवश्यकता है, न जिभ्या की आवश्यकता है, न ही होठ की आवश्यकता है और न ही तारु की आवश्यकता है। क ख ग घ ञ कंठ बोल दिया, छ ज यहाँ बोलना है तो जिभ्या की जरूरी पड़ेगी, और ट ड न बोलना है तो तारू का ऊपर सहारा लेना होगा, अगर प फ ब भ म बोलना है तो दोनों होठ का सहारा लेना होगा। शब्द यहां से निकला और उसको वर्गीकरण कंठ से ऊपर आते आते उसका वर्गीकरण हो गया। यही हमारा मालिक है, हम उसका रैयत है। जीव शब्द का रैयत है, ये जाप करे मुक्ति पाने के लिए। तो कौन कौन मंत्र का जाप करे? मंत्र भी तो बहुत है। कौन मंत्र का जाप किया जाए जिससे हमारी मुक्ति हो जाए? साहब कबीर कहते हैं, अरे वेद पढ़ी पढ़ी पंडित हारे, चतुर न पावहीं ठाओ। चतुराई है इनके अंदर पैसा ठगने की। मंत्र से मुक्ति मिलती है, अक्षर से मुक्ति मिलती है, शब्द से मुक्ति मिलती है कि कर्म से मुक्ति मिलती है? अक्षर का जाप कराया गया मुक्ति के लिए। वेद पढ़ी पढ़ी पंडित हारे, चतुर न पावहीं ठाओ। जेही पूछो सो नाम बतावे, नाही दिखावे गाँव। डगर भुला गया
और जिससे पूछते हैं तो व्यक्ति का नाम बता रहा है और गांव का पता ठकान दे ये नहीं रहा है। पहुंच जाएंगे हम, पहुंचेंगे क्या? ये गांव का क्या नाम है? कल्लू। आज जिनके यहां हम लोगों का आसन है उनका क्या नाम है? सुमेरी साहब। सुमेरी साहब हम जान गए, कल्लू टोला हमको पता नहीं है, अनद जिला राजनाथ गांव पता है। तो सुमेरू साहब मिल जाएंगे कि नाम के साथ गांव होना अनिवार्य है, जिला होना अनिवार्य है, विकास खंड होना अनिवार्य है, तब तो सुमेरू साहब हमको मिलेंगे। तो सब नाम जपने में लगा है, गांव के बताएगा है? नाम से काम चल जाएगा कि नाम के पीछे गांव होना अनिवार्य है? साहब कबीर कहते हैं, जही पूछो सो नाम बतावे, ना ही दिखावे गांव, ना ही दिखावे गांव, डगरिया भूल गई कहीं विधि घर को जाओ, डगरिया भूल गई। अंत में कहते हैं अरे भर्म के पंथ परा जग सारा, कुशल कतहु नहीं पाओ। सारा दुनिया के बारे में सदगुरु कबीर कहते हैं सब भर्म के पंथ में पड़ा हुआ है, इसलिए कुशल भी किसी का ठीक नहीं है। जाके देख के तो आइए कुशल है, कुशल हम लोगों का ठीक है, हम अपने से अपना कुशल ठीक कर लिए। सारे लोग भगवान के भरम में पड़े हुए हैं, कुशल ठीक नहीं है। भरम के पंथ परा जग सारा, कुशल कतहु नहीं पाओ। कहीं कबीर सुनो भाई साधो, कहीं कबीर सुनो भाई साधो, एकदम आसान मार्ग कबीर साहब बता रहे हैं। तन को भार नहीं है, तन को खर्च भी नहीं है इस मार्ग में। अब सुनिएगा कितना आसान है। कहीं कबीर सुनो भाई साधो, छोड़ भरम घर आओ। है कोई खर्चा? केवल भर्म तो छोड़ दीजिए, सारे लोग भगवान के भरम में पड़ा हुआ है। एक भगवान है, एक भगवान ही दुनिया को चलाने वाला है, एक भगवान ही दुनिया को बनाने वाला है। ठीक है, बनाने वाला है भगवान के। तो कबीर साहब पूछते हैं, जिस दिन धरती नहीं थी, आसमान नहीं था, सूर्य चंद्रमा तारा नहीं था, हवा पानी आग नहीं था, ये मानव पशु पक्षी नहीं थे, भगवान ने इसको बनाया पहले। आप ही का बात हम मानते हैं, भगवान पहले इसको बनाया, तब इसमें सब जीव जंतु आया। तो भगवान जो ही दुनिया को बना रहा था, तो कौन आदमी किस दलान में बैठ के देख रहा था? है कोई देखने वाला? है भगवान बनाया सो देखा किसने, और किसका भगवान बनाया? हिंदू कहता है ब्रह्मा ने बनाया,
मुसलमान कहता है अल्लाह ने बनाया, सिख कहता है गुरु नानक ने बनाया, ईसाई कहता है ईसा मसीह ने बनाया। किसका भगवान बनाया जरा आप लोग बतियाइए आपस में, आ कंपेरिजन करके हमको बताइए कि किसका भगवान ही दुनिया बनाया है। बताएंगे सारा छटपटी छूट जाएगा। याद कर लीजिए ये कबीर का मंच है, कबीर का ठट्ठा नहीं है। ठीक पर का पसीना एरी पर माह उतर जाएगा। सदगुरु कबीर का मंच है कबीर का। कबीर ने सारे बातों का उद्भेदन करके रख दिया है मानव के सामने, किसने बनाया ये दुनिया। कहते हैं तहिया होते कली नहीं मूला, तहिया होते गर्भ न अस्थूला, तहिया होते गुरु नहीं चेला, गम अगम न पंथ दुहेला, तहिया होते दिवस नहीं रज राति। कौन बनाया कबीर तो यहां तक कहते हैं, तहिया होते गाय न कसाई, तहिया बिस्मिल क्या फरमाई। जिस दिन यहां गाय नहीं था कसाई नहीं था उस दिन अल्लाह क्या फरमाया। आज तो मुसलमान कहता है अल्लाह को गाय देना है, आज जिस दिन गाये नहीं थी आ कसाईयो नहीं था उस दिन अल्लाह क्या खाया, क्या मिला अल्लाह को उस दिन। जिस दिन धरती नहीं थी पानी नहीं था बनाया किसने, कैसे बनाया। कुम्हार हो माटी पानी हो और चाक डंडा न हो तो बर्तन बन जाएगा। अच्छा चाक डंडा हो माटी पानी हो, चाक डंडा हो कुम्हार हो और माटी पानी न हो तब बनेगा। अच्छा माटी पानी भी हो चाक डंडा भी हो कुम्हार न हो तब बनेगा। कारण तीन है, उपादान कारण, निमित्त कारण और साधारण कारण। जब तीनों कारण लगता है तो कार्य प्रारंभ होता है। रेल का इंजन बना है उसमें कारण है, बिना कारण के रेल का इंजन नहीं बना। ये मोबाइल बना है इसके पीछे कारण है, अगर कारण नहीं होता तो कार्य रूप में मोबाइल नहीं बन जाता। माइक स्टैंड बना है इसके पीछे कारण है, अगर कारण नहीं होता तो नहीं बनता। हारमोनियम बना है उसके पीछे कारण है, कारण नहीं होता तो हारमोनियम नहीं बनता। हेलीकॉप्टर बना है, रॉकेट बना है उसके पीछे कारण है। ये कपड़ा बना है इसके पीछे कारण है, ये शरीर बना है इसके पीछे कारण है। बिना कारण के कोई काम दुनिया में होने वाला नहीं है। तो साहब कबीर पूछते हैं दुनिया के लोगों से कि तुम्हारा भगवान ये दुनिया जो बनाया वो किस कारण से कार्य रूप में बनाया, उसका कारण तो बताओ। ये दुनिया बना उसका कारण क्या है, किस कारण से दुनिया बना। हमारा शरीर बना है उसके कारण है क्या, धरती आकाश हवा पानी आग, पांच कारण से मेरा शरीर बन के तैयार हुआ माता पिता के संयोग। आई दुनिया किस कारण से बना, अगर भगवान है बनाया तो किस कारण से बनाया। बंधुओं बड़ी समस्या है, खोज कीजिएगा तो प्याज के छिलते छिलते अंत में क्या मिलेगा, अंतिम स्थिति क्या है, क्या मिलेगा अंत में। ये दुनिया के लोग बात को, ये दुनिया अनादि है, ये किसी का बनाया हुआ नहीं है। जो बनता है वो बिगड़ जाता है, ये चश्मा बना है एक न एक दिन फूट जाएगा, ये माइक स्टैंड बना है एक न एक दिन टूट जाएगा,
ये कपड़ा बना है, एक न एक दिन फट जाएगा। ये शरीर बना है, एक न एक दिन श्मशान जाएगा। ये पंडाल बना है, कल उखड़ जाएगा। घर बना है, एक दिन ढह जाएगा। जो बना वो बिगड़ेगा। तो ये दुनिया बना, तो बनाने वाला इसकी आयु कितना रखा, कब बिगड़ेगा ये दुनिया, कोई आदमी बोलिए तो। ये दुनिया कब खत्म होगा, बना है अगर, अगर किसी ने बनाया है तो इसकी आयु होगी और आयु पर ही खत्म होगा। इसकी आयु कितनी है बोलिए तो। ये दुनिया कभी बना ही नहीं, किसी ने बनाया ही नहीं, इसकी कोई आयु नहीं, इसकी कोई आयु नहीं है। क्योंकि आदि का अंत होता है, आदि हुआ है तो अंत होगा। ये अनादि है, इसका आदि नहीं है, अंत कभी होने वाला नहीं है। इस पर दिमाग मत कोई लड़ाइए और मत झगड़ा लड़ाई। अगर भगवान है बनाने वाला तो सबसे ज्यादा दुनिया में ईसाई है, 40% ईसाई है। चीन, जापान, लंका, बर्मा, रूस, अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, सब ईसाई है, 40% है। हिंदू से धन में आगे है, जनसंख्या में आगे है और बुद्धि विवेक में आगे है। रेल का इंजन किसके ब्रेन से निकला था, हिंदू के ब्रेन से, मुसलमान के ब्रेन से, सिख के ब्रेन से, ईसाई जेम्स वाट कौन था, ईसाई, ईसाई के ब्रेन से कोरोना कौन भेज दिया, ईसाई के ब्रेन से कोरोना निकला। इतना ब्रेन का तेज है ईसाई, इतना धन में आगे है, इतना जनसंख्या में आगे है। उसका कहना है ईसा ने पूरे दुनिया को बनाया और ईसा के द्वारा दिया गया बाइबिल मेरा ग्रंथ है। जो ईसा को नहीं मानेगा और जो बाइबिल को नहीं मानेगा वो नरक में जाएगा। दूसरे हैं इस्लाम 30%, चाहे सऊदी अरब हो, ईरान हो, इराक हो, अफगानिस्तान हो, कजाकिस्तान हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, अल्जीरिया, साइबेरिया, तुर्की, पूरे विश्व में 60 देश मुसलमानों का है। उसका कहना है अल्लाह ने पूरे दुनिया को बनाया और अल्लाह का दिया हुआ ये कुरान, जब्बूर, इंजिल, तोरेत, हदीस मेरा ग्रंथ है। जो अल्लाह को नहीं मानेगा, जो कुरान को नहीं मानेगा, वो दोजख में जाएगा। उसके बाद है हिंदू 25%, इनका कहना है ब्रह्मा ने पूरे दुनिया को बनाया और ब्रह्मा के दिया हुआ 4 ग्रंथ है, ऋग वेद, साम वेद, यजुर वेद, अथर्व वेद। जो जो ब्रह्मा को नहीं मानेगा और जो वेद को नहीं मानेगा वो नरक में जाएगा। 5% सिख है, इनका कहना है गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह ने इस दुनिया को बनाया और उसके द्वारा दिया गया गुरु ग्रंथ मेरा ग्रंथ है। जो नानक को नहीं मानेगा, जो गुरु गोविंद सिंह को नहीं मानेगा, वो नरक में जाएगा। अब बोलिए तो किसका भगवान ही दुनिया बनाया, किसका पूजा किया जाए। अब भगवान अगर ये दुनिया बनाया तो भगवान पहले मुर्गी बनाया कि पहले अंडा, क्या बनाया था भगवान, पहले क्या बनाया, पहले वेद बनाया कि कुरान बनाया। अब भगवान कितना पढ़ा लिखा था, कौन यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ा, 4 विषय से, मुसलमान के ग्रंथ उर्दू में लिखा, हिंदू के ग्रंथ संस्कृत में लिखा, ईसाई के ग्रंथ अंग्रेजी में लिखा और सिख के ग्रंथ पंजाबी भाषा में। ये 4 विषय से एमए किया था भगवान, पीएचडी,
सब कहता है हमारा ग्रंथ आसमानी है। एक मुसलमान हमसे कहा कि कुरान हमारे आसमानी ग्रंथ है, अल्लाह ने ऊपर से गिराया, हम कि तोरे अल्लाह ऊपर में प्रेस बैठाया है, छाप छाप के गिराता है। कौन बात सांच है, किसका भगवान ही दुनिया बनाया? और साहब कबीर पूछते हैं, ऐ दुनिया के लोगों, तुम्हारा भगवान ही दुनिया क्यों बनाया, क्या जरूरी लगा था उसको बनाने का? है इसका जवाब, भगवान ही दुनिया क्यों बनाया? अगर भगवान दुनिया बनाया तो सुखिया दुनिया बनाया कि दुखिया? यहाँ के लोग सुखिया हैं कि दुखिया? क्या है दुखिया दुनिया? भगवान क्यों बनाया? हम लोग भगवान के क्या बैगन तोड़ लिए थे? क्यों दुखिया दुनिया बना के यहाँ भेजा हमको ये दुखिया दुनिया में? आ जब हम चले आए, गर्दनिया दे के हमको उतार दिया इस दुनिया में, भगवान पीछे से ग्रंथ क्यों बना के भेजा कि बेटा पढ़ पढ़ के पार कर जाओ? अगर ग्रंथे भेजना था तो गर्दनिया दे के हमको गिराया क्यों पहले? कोई ऐसा आदमी हो जो एक लड़का को तालाब में फेंक दे और लड़का जब चिल्लाए तो उसको एक सहारा दे, बेटा इसको पकड़ के निकल जा, वो आदमी कैसा होगा? भले आदमी होगा कि हरामी होगा? भगवान क्या है, क्यों बनाया ये दुनिया दुखिया दुनिया? अग्रंथ पीछे से बना के क्यों भेजा हमारे लिए कि बेटा पढ़ पढ़ के पार कर जाओ? ये सारा झंझट, इस सारा झंझट लगाने वाला कौन है मालूम है? एक नंबर में पंडित जी, और दूसरे नंबर में मौलवी जी, और तीसरे नंबर में पादरी जी, और चौथे नंबर में भक्ता जी। ये चार गो मिल के सारा झंझट पसार के खड़ा किया है, यही चारों का धंधा है। कबीर साहब कहते कहते चले गए, इतना ओझरा दिया है, इतना समस्या लोग खड़ा किया है। कबीर साहब अंत में कहते कहते थक गए, तो अंत में कहे, संतो जग को समझा, इस जगत को कौन समझाए?